क्या प्रधानमंत्री आवास की राशि में शहरों में और गांव में जो अंतर है वो अंतर खत्म होना चाहिए? हम लगातार अपने वीडियो में ये मांग करते आए हैं और आप इससे सहमत होंगे, और हमारी मांग के पीछे तर्क यही है कि उतना ही महंगा सरिया, ईंट, सीमेंट ग्रामीणों को पड़ता है जितना शहर के लोगों को पड़ता है, और ग्रामीण लोगों को तो शहर से जाकर लाना पड़ता है। तो फिर या तो बराबरी पे करिए, और वैसे भी जब नीति आयोग ने इसे तय किया था तब काफ़ी वक्त हो चुका है, इस राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। यही मांग जब परसों झाबुआ में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब आए तो जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने उनसे की, तो ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सहमति जताई। उन्होंने ये कहा कि जब नीति आयोग ने इसकी नीति बनाई तब शायद उनके मन में ये था कि ग्रामीण अपने स्तर पर श्रम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, तो उनको मजदूरी किसी को देना नहीं पड़ेगी। लेकिन अब शायद आप लोगों की बात वाजिब है, इसमें बराबरी होनी चाहिए, और वो सरकार को इस बात से अवगत कराएंगे कि आप लोगों की सोच क्या है। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और ग्रामीणों के बीच पीएम आवास को लेकर जो संवाद हुआ है, वो कन्वर्सेशन, वो बातचीत हम आपको मूल वीडियो में दिखा रहे हैं, इसे देखिए और आपकी क्या राय है और मांग है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि उसके स्क्रीनशॉट हम पीएमओ को टैग कर सकें। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 1.35 और शहर में 2.5 लाख, तो गांव में भी इसकी राशि बढ़ रही थी, बढ़ने की। ये नीति आयोग में वहां जो बैठे लोग हैं वो तो सोचते हैं कि गांव का आदमी तो मकान बनाते समय मजदूरी करता, खुद ही अपने खेत में भी करता है तो घर बनाने में करता है, तो जो लेबर कंपोनेंट है ना वो गांव में जोड़ा नहीं, और शहर का आदमी मजदूरी करता नहीं, उसको मजदूर बाहर से लाना पड़ता है, इसलिए वो लेबर कंपोनेंट थोड़ा है। ये है इसे और कुछ नहीं, फिर भी करेंगे इसको, ठीक है, इसको ठीक है, ठीक है, बात ठीक है। ये योजना बांटते थे लोग ऐसा सोचते हैं, फिर भी सोचेंगे। आपके पैसे बराबर सही होने चाहिए ना, लगते तो ही है।